गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज एक और क्रेटा का सेटअप है। गाइस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे को क्रेटा का इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आज हम एक और डिफरेंट सिटी आए हैं, क्लाइंट की लोकेशन पे। पहले हम अपने सब्सक्राइबर की तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से हैं, किधर हम आए हैं, और ऑडियो के बारे में भी बात करेंगे। आज कंप्लीट ऑडियो सेटअप है, देर इज नो OEM एक्सेसरीज। आज पूरी मेन जो टॉपिक रहेगा कि वाई टू पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट, वाई नॉट वन पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट एंड कोएक्सियल, मैं आपको सब कुछ आज बताऊंगा। पहले हमारे सब्सक्राइबर की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस और ये कहाँ से है। सर, योर नेम? माय नेम इज साकिब एंड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। ओके, दिल्ली से कितना किलोमीटर दूर होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 115 और 120 किलोमीटर। सो ये काम दिल्ली में भी हो सकता था। आपने हमें बुलाया, कुछ लगा इतनी दूर हम आए, इतना हमने काम करा, इतना हमने एफर्ट्स डाले, कुछ वर्थ इट लगा? या इट इज टोटली वर्थ इट। आई मीन व्हाटएवर यू हैव रिकमेंडेड टू मी एंड आई मीन इट वाज वेरी नाइस, व्हाटएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एट, मतलब अच्छा डिलीवर किया है एंड जो वॉइस है, क्लैरिटी आ रही है स्पीकर्स की एंड ब्लोपंग इज अ नाइस ऑप्शन एंड इट्स गुड। आई मीन वर्थ इट, इट्स टोटली, आई टोटली एग्रीड विद। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा, सर ने भी डाउटफुल थे। एक पेयर कंपोनेंट, एक कोएक्सियल, दोनों कोएक्सियल या दोनों कंपोनेंट? गाइस, तीन फैक्टर आपको चीज देखनी है। फर्स्ट, योर बजट, बिकॉज अगर हम दो पेयर कंपोनेंट लगाएंगे सो अप्रॉक्सीमेटली इफ यू आर गोइंग टू फॉर अ स्टैग, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का आपका बजट हिट करेगा। इफ यू टॉक अबाउट एक कंपोनेंट, एक कोएक्सियल, कितना हमारा सेव हो रहे थे? अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का डिफरेंस था। करेक्ट। सो एक कंपोनेंट, एक अगर डिसेंट कोएक्सियल लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 14,000 का सेटअप जाता है एंड यू विल सेव योर 6,000। अब बात करते हैं गाइज कि क्या हम दो कोएक्सियल लगा सकते हैं। गाइज, अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका बजट एक 5,000 to 6,000 to 7,000 का बजट है, यस, आपको फर्स्ट फैक्टर आपको देखना है बजट। एक और चीज़, एक और मेन फैक्टर क्या आपको देखना होता है कि यू नीड लाउडनेस, यू नीड क्लैरिटी इन योर कार। अगर आप ये फैक्टर देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको दो पेयर कॉम्पोनेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका बजट नहीं है एंड अगर आपको एक डिसेंट सेटअप चाहिए और ये चाहिए कि मैं एक सिंगल ड्राइव ओनर हूँ, then yes you can go for one pair of component and one coaxial। बात करें अगर कि मेरे को दोस्तों के साथ बैठना होता है, मेरे को एक loudness, एक atmosphere अच्छा चाहिए गाड़ी में, कि पीछे भी मेरा आवाज़ अच्छी है, definitely आपको budget थोड़ा सा increase करके maximum 5,000 to 6,000 का dent आएगा आपकी pocket पे, but definitely जो 6,000 है it will be worth। Guys understand, your if you are spending 12 lakh rupees on a car, 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, ये भी इन्वेस्टमेंट उस टाइम स्पैम की हो रही है। 10 साल की अगर गाड़ी ले रहे हैं, 10 साल की ऑडियो सेटअप साथ में जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर ईयर आप बदल रहे हैं। सो मेक योर बजट वंस, एक ही बार अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए एंड गो फॉर अ गुड। सो सर, अब कुछ बताएंगे कि स्टैग आपको लगा कि हमने 10,000 का स्पीकर लगाया, एक पेयर वर्थ इट लगा हमें? Stag is a nice option. Mm-hmm. Whatever you have recommended to me. Mm-hmm. Base so, कैसा लगा? आपने कहा कि base कम base is, yeah. आपने मेरे को ये चीज़ बोली, base कम कर, base है अच्छा. Exactly. Base lovers के लिए बहुत अच्छा है. Yeah. I mean, base is very good and mm-hmm. I mean, you do not need a kind of subwoofer and all these Correct. Things. So, I mean, ये आपका स्पीकर से प्रोवाइड कर देते हैं। सो इफ यू आर गोइंग विदाउट सबवूफर और ऑल दीज थिंग्स, सो स्टैग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कैसा लगा? आपने कहा था लैगी, मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन आया था, क्या ये लैगी तो नहीं है? लगा आपको थोड़ा लैगी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई मीन इफ यू आर गोइंग फॉर द विद द कंपैरिजन विद द आईफोन एंड ऑल दीज थिंग्स, सो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आई मीन इफ यू आर going for with the head, this head unit and you will use it, I mean you will like it. Correct. There बहुत is अच्छा no point, बहुत अच्छा point उन्होंने उठाया, comparing with your iPhone. Guys, किसी भी साथ आप, it's a Android device, it's a car stereo, आप अपने फ़ोन के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। येस, अगर करेंगे तो आपको लैग ही लगेगा, बट इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस दैट यू आर कंपेयरिंग इट विद अ फोन और अ सैमसंग फोन, तो आपको लैगीनेस नहीं लगेगी। बट येस, अगर आप कंपेयर करेंगे, यार मेरा फ़ोन तो बहुत तेज़ चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, सो आपको लैगीनेस लगेगी। सो गाइस, अब प्राइसिंग की बात करेंगे लास्ट में, NCS की तरफ चलते हैं। इंस्टॉलेशन भी कुछ मैं आपको पार्ट में दिखाऊंगा। सो वी हैव ट्रैवल 150 किलोमीटर फॉर दिस इंस्टॉलेशन, विल क्विकली मूव इनसाइड, हम कैमरा भी दिखाएंगे, कैमरा भी इंस्टॉल करा है। आई विल रैपिड अप क्या क्या लगा है। ब्लोपंग की लार्गो 10 inches, 2 pairs of stag, rain guard which is required for components and damping, 10 sheets aapki 4 doors mein lagi hai and the camera. Let's quickly move inside and aapka response dekhte hain.
तो गाइज़ अगर बात करें, वी आर एट द क्लाइंट लोकेशन, डैम्पिंग हो रही है गाड़ी में. अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, वी आर इंस्टॉलिंग द ब्लॉपंक की लार्गो 10.1. दिस इज़ अ 10 इंचेस स्टीरियो बाय ब्लॉपंक. बहुत डिसेंट रिजल्ट है, लाइक डूइंग इट, इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स सुपर्ब रिजल्ट. अगर दिस इज़ द यूनिट अगर बात करें, दिस इज़ अ 10 इंचेस सुपर्ब यूनिट. सो हम ये लगा रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट द स्टैग लीवर इज बीन इंस्टॉल्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्पोनेंट्स विच डजेंट रिक्वायर एन एम्पलीफायर. सो आज का जो मोटिव रहेगा वीडियो का, वो मेरे को आपको ये दिखाना है कि आइदर टू पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट, वन पेयर कॉम्पोनेंट, वन कोएक्सियल, या दो पेयर कोएक्सियल. सो आज का मोटिव ये है, वंस द इंस्टॉलेशन इज बीन डन, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा. बट अभी सब कुछ इंस्टॉलेशन चल रही है. द क्लाइंट लोकेशन हम मुजफ्फरनगर हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आर स्टोर. सो अभी हम 150 किलोमीटर दूर हैं. इट्स 9:00 इन द इवनिंग एंड इट्स सैटरडे, इट्स अ वीकेंड एंड वी आर डूइंग द इंस्टॉलेशन. सो धीरे धीरे चीज़ें जैसे इंस्टॉल होंगी, स्टीरियो होगा, चीज़ें होंगी, तो मैं आपको आगे आगे दिखाता जाऊँगा. तो गाइज, लोग बहुत पूछते हैं कि अगर हम यूएसबी का, अगर कोई भी स्टीरियो लगाएं तो यूएसबी का कनेक्शन हम कहाँ से. सो देर इज़ अ पर्टिकुलर, देर इज़ अ ऑप्शन आपके ग्लो बॉक्स में ही होता है कि आप पूरा, अगर कंपनी ने ये दिया होता है, इससे आप वायर को पास थ्रू कर सकते हो. अगर वायर पास थ्रू हो रही है तो ग्लो बॉक्स से हम यहाँ पे यूएसबी का स्लॉट, देर इज़ अनदर ऑप्शन जहाँ पे हम यूएसबी का स्लॉट भी एक लगाते हैं. बट फ्रैंकली दिस इज़ द इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट ऑप्शन वेयर यू कैन सेव योर मनी एंड यहाँ से प्रॉपर प्रोविजन होता है कि हम पास ऑन कर सकें. एक बार ये पूरा जब लग जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा. सो ये कंपनी ने प्रोविजन दिया होता है एंड यू कैन पास थ्रू इट और उससे वायरिंग आप कर सकते हैं. सो जब ये पूरा इंस्टॉलेशन अभी दिखाएंगे कपलर टू कपलर, ये हमने अपना कपलर लगाया, आगे ब्लॉपंक का कपलर लगाया, एवरीथिंग इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन और इस पर ब्लॉपंक लगा रहे हैं. बात करें कंपोनेंट्स की, सो वी आर इंस्टॉलिंग द स्टैग लियो 650C एंड डैम्पिंग इज अगेन द वाइब्रो फिल्टर 1.8 mm, वन ऑफ द फाइनेस्ट डैम्पिंग, इकोनॉमिकल एंड बेस्ट रिजल्ट इसी पे आते हैं. सो बाकी जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी मैं आपको आगे का दिखाऊंगा. सो गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं, आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं. ब्लॉपंक की लार्गो 10 इंचेस है, फ्रेम की आप नॉच देख सकते हैं कैसा है. एक बार हम कैमरा भी चला के दिखाएंगे. सर एक बार कैमरा प्लीज रिवर्स पे देखिए. सो गाइस, आप कैमरे की क्लैरिटी देख सकते हैं कैसे आपका कैमरा है. सो अगर ट्विटर की प्लेसमेंट देखें, हमने ट्विटर की प्लेसमेंट अपने सैश में लगाई है. सो ये हमारा पुराना क्रेटा 2020 वाला मॉडल है. सो हमें इसमें हमें ऑप्शन आता है कि हमें नॉब्स नहीं आती, तो हमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट की जगह मिल गई. पीछे की बात करें अगर, तो पीछे के अभी डोर पैड में अपनी इंस्टॉलेशन हुई है. प्रॉपरली डोर नीट एंड क्लीन कट हुए हैं, आप उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन हुई है. सो काफ़ी डिसेंट रहे. वील क्विकली मूव टू आई NCS एंड आउटपुट की तरफ हम देखते हैं. सर प्लीज़. NCS पे रिस्पॉन्स आपने देख लिया होगा कि कैसे फिट एंड फिनिश थी, कैसे हमने ट्विटर्स प्लान करे. सो यस, वी आर डूइंग अ इंस्टॉलेशन एट होम लोकेशन एंड आपके सामने था रिजल्ट. सो गाइज, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की. सो आप बताना चाहेंगे कितना अप्रॉक्सीमेटली आपके पॉकेट पे डेंट आया आज? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आई मीन
50,000 का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे हमने टॉप नॉच स्पीकर्स यूज करे, हमने टॉप नॉच हेड यूनिट करा, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. OEM एसेसरीज अभी नहीं इंस्टॉल हुई हैं, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट स्टेजिंग. सो स्टेज बाय स्टेज करेंगे हम नेक्स्ट. जब डेफिनेटली जब इसका इंस्टॉलेशन होगा OEM का, तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स दिखाऊंगा. सो गाइज, इसी के साथ अगर आपको आई नो मेन ये चर्चा मैंने बहुत दिखाया है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ क्लैरिफिकेशन. मेरे को 10 दिन में बहुत क्वेरीज आते हैं कि क्या हम कॉम्पोनेंट्स लगाएं, क्या दो पेयर कॉम्पोनेंट लगाएं, एक कॉम्पोनेंट एक को एक्सल लगाएं. तो इसका आज मैंने आपको आंसर दे दिया, क्या क्या आपको फैक्टर्स कंक्लूड करने हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं. सो गाइस, इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो इट्स वर्थ वॉचिंग, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐड करना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? आई वुड हाईली रिकमेंड टू दी सोहेल, एंड आई एम रियली हैप्पी विद हिज वर्क. एंड I mean, if you need any clarity about the music and whatever related to the music and about related to your car and whatever modification you need for your car, just please contact. I would highly recommend Sahil. So you can please reach out to him for any query. He'll definitely guide you whatever be the good for you. थैंक यू सो मच. सो गाइज, इसी के साथ अगर आपको नॉलेजेबल लगाओ, इतना इन्होंने अप्रिशिएट करा, एंड थैंक यू सो मच सर. सो आपको अच्छा लगाओ गाइज, एंड अगेन आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द कार ऑडियो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू. सो वीडियो ना लंबी करते हुए, इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर टू माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी. साइनिंग ऑफ पब्लिक.